प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। और आज के बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलिसिया माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाती है। ये सच है कि आदम और हेवा के पाप करने के पश्चात पिता ईश्वर मानव जाति को बचाने की योजना अनुसार ईश्वर ने माता मरियम को चुनकर उसे आदि पाप से मुक्त रखा। अर्थात ईश्वर माता मरिया को हमेशा निष्कलंक रखा, क्योंकि पिता ईश्वर माता मरिया के जरिए अपने परम प्रिय पुत्र को इस धरती पर लाने वाला था। कुमारी मरियम आदि पाप से मुक्त थी। वह सारा जीवन धरती पर निष्कलंक एवं पवित्र थी। पवित्र निष्कलंक मतलब वह सारा जीवन ईश्वर यीशु के साथ थी। मरियम की पवित्रता ईश्वर की कृपा थी, जिसे माता मरियम जीवन भर खजाने की भांति सुरक्षित रखी। मरियम निसंदेह पवित्रता धार्मिकता का नमूना है। आज का यह त्योहार हमें आह्वान करती है कि हमें ख्रिस्तीय जीवन में पवित्र बनना चाहिए। अर्थात हमें जीवन भर हर वक्त प्रभु के साथ जीवन यापन करना चाहिए। मरियम का कथन, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। माँ मरियम ने अपने इस कथन को इसलिए बोल पाई क्योंकि वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त रही, और यही वजह है कि उसने ईश्वर की योजना को हाँ कहकर स्वीकार कर सकी। ईश्वर के मानव मुक्ति का कार्य मरियम के कथन हाँ से ही प्रारंभ हो गया। मरियम के हाँ से ही मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का आगमन दुनिया में संभव हो सका। माँ मरियम ने न केवल ईश्वर को हाँ कहा, लेकिन संपूर्ण मुक्ति योजना में भरपूर सहयोग दिया। ईश्वर की योजना के अनुसार चलना बहुत सहज नहीं था। इस राह में बहुत सारी मुसीबतें, कठिनाइयां, मानसिक दुख दर्द, अपमानित होने तथा इसे झेलने की चिंताएं भरी पड़ी थीं। यीशु ख्रिस्त के जन्म से लेकर दुख भोग और मरण तक मरियम ने अपने बेटे के दुख में उसका साथ दिया। हाँ, मरियम माँ मरियम की महानता निष्कलंक गर्भागमन में नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना एवं इच्छा को हर क्षण ढूंढने, जानने, मनन चिंतन करने और प्यार से पूरा करने में है। ईश्वर की योजना हम प्रत्येक जन के लिए है। हमें जरूरत है उस योजना को माँ मरियम की तरह स्वीकार करना, हर क्षण ढूंढना, जानना और मनन चिंतन कर उसके अनुसार जीवन बिताना। माँ मरियम हमारा भी साथ हर क्षण देती है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को साथ दिया था। आमीन। आज माता कलिसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तुमने यह किया तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है।
प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से लेकर 6 और 11 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया है कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, तुम प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।